उत्तर ध्रुवीय टंड्रा से लेकर अमेज़न रेन फॉरेस्ट के पेड़ों तक और साथ ही अफ्रीकन सवाना के तपते रेगिस्तान के आसमान में प्रकृति के सबसे खतरनाक हमलावरों का साम्राज्य है, जिनके पास हैं भयानक शस्त्र जिनसे शिकारी जानवरों पर भी हमला किया जा सकता है, जिनसे शिकार को पकड़ा और खाया भी जा सकता है। ये हैं इस दुनिया के सबसे बेहतरीन शस्त्र। ये हैं प्रकृति के सबसे प्राचीन, प्रभावशाली और भयानक हथियार, चोंच और नाखून। स्वागत है आपका वाइल्ड असैसिन्स की दुनिया में। करीब 15 करोड़ साल पहले ये डायनासोर्स के जमाने की बात है। उन पंछियों के पूर्वज उड़ान भरा करते थे जिन्हें आज हम जानते हैं, जिनकी नुकीली चोंच है, कमाल के पंजे हैं और जबरदस्त पंख। दुनिया भर में ऐसे पक्षियों की 10,000 प्रजातियां हैं जो हर आकार और रूप में पाए जाते हैं। कुछ छोटे हैं लेकिन आक्रामक हैं और वहीं कुछ बड़े और खतरनाक हैं। इन सभी आसमानी शिकारियों के पास इस पृथ्वी के सबसे भयानक हथियार हैं। शातिर ईगल्स और फाल्कन से लेकर पानी के पास रहने वाले पेलिकन्स और गैनेट्स तक, निशाचर आउल से लेकर सड़ते पिंजर खाने वाले वल्चर्स या पृथ्वी के सबसे बड़े पक्षी ऑस्ट्रिच तक, इनके पास वो सारे जरूरी औजार हैं जिनसे वो शिकार को पकड़कर उसका मांस चीर कर खा सकें। चोंच और पंजे कुदरत के इन खतरनाक वाइल्ड असैसिन्स के पसंदीदा हथियार हैं। उत्तरीय टंड्रा से लेकर गर्मियों वाले रेन फॉरेस्ट और बंजर रेगिस्तानों तक ये आपको दुनिया भर में उड़ान भरते नजर आएंगे। ये हैं हवाई हमलावर जिनके पास है दमखम, रफ्तार और तेज नजर, जिनके पास भयानक पंजे और खतरनाक चोंच है। ये हैं ईगल। दुनिया भर में 60 से ज्यादा ईगल की प्रजातियां पाई जाती हैं। ज्यादातर यूरेशिया और अफ्रीका में पाई जाती हैं। ये शिकारी पक्षी मौका देखकर हमला करते हैं। इसमें उनका साथ देती है उनकी जबरदस्त रफ्तार और नजर। ईगल तरह तरह के छोटे जीवों को खाते हैं, जिन्हें वो कभी जिंदा तो कभी मुर्दा पसंद करते हैं। ये आसमान में उड़ते हुए शिकार करते हैं। उनकी कमाल की नजर के जरिए वो छोटे से छोटे शिकार को देख लेते हैं। उनकी चोंच से वो उसके चिथड़े चिथड़े कर देते हैं।
ईगल बहुत तेज उड़ान भरते हैं, जिनकी रफ्तार 320 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। ये तेज हमलावर हैं। ऑस्ट्रेलिया में सबसे खतरनाक ईगल पाया जाता है, जो इस महाद्वीप का सबसे बड़ा पक्षी है। ये है द वेज टेल्ड ईगल, जिसकी डरावनी चोंच है, शक्तिशाली पंख हैं और खतरनाक पंजे। ये सभी हवाई हमलावर ऊंचाई से वार करते हैं। अपने खतरनाक पंजों और चोंच से ये किसी भी शिकार को फाड़ कर खा सकते हैं। कोई भी शिकार इनसे बच नहीं सकता। अमेरिका के आसमान में बॉल्ड ईगल राज करते हैं। ये मछलियों के शिकारी होते हैं। ये हवाई उड़ान भरकर अपनी तेज नजर से शिकार ढूंढ लेते हैं। फिर ये अपने पंजों से उन पर झपटते हैं। जिस हथियार से बचना नामुमकिन है, ईगल इस पृथ्वी के कमाल के शिकारी पक्षी हैं, एक बेजोड़ हवाई हमलावर। प्रकृति के आकाशीय हथियारों में से एक। ये बेहतरीन ईगल शक्ति और हिम्मत का जीता जागता प्रतीक है, लेकिन अब इनका अस्तित्व खतरे में है। जलवायु परिवर्तन से इनके आवासीय इलाकों पर बुरा असर पड़ रहा है। पेड़ों की कटाई और पानी के स्रोतों के प्रदूषण से, साथ ही विंड टर्बाइन्स की तादाद में बढ़ोतरी से इन हवाई हमलावरों को नुकसान हो रहा है। पर उम्मीद की किरण अब भी है। सन 1973 में इंडेंजर्ड स्पीशीज एक्ट की वजह से बॉल्ड ईगल लुप्त होने से बच गए, और आज संरक्षणकर्ता इस खूबसूरत कमाल के फिलिपीन ईगल को बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। इसलिए ये सभी हवाई हमलावर सुरक्षित हैं। और आसमान पर इनकी हुकूमत कायम है। ये हैं प्रकृति के वाइल्ड असैसिन्स।
स्कॉटलैंड और वेल्स के पथरीले तटीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले और साथ ही दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में ये दूर दराज के द्वीपों और चोटियों पर अपना घोंसला बनाते हैं। उत्तरी अटलांटिक जिनका घर है, जहां ये कई सौ के झुंड में रहते हैं। ये हैं उत्तरी अटलांटिक के सबसे विशाल समुद्री पंछी गैनेट। तीन करोड़ साल पहले विकसित हुए ये गैनेट्स पूरी तरह से समुद्री जीवन के लिए ढल चुके हैं। जिनके पंख लगभग 2 मीटर तक लंबे होते हैं और नथुने मुंह के अंदर छिपे होते हैं। इनके एयर सैक्स की वजह से पानी से तेजी से टकराने पर इन्हें चोट नहीं लगती। इन सभी से गैनेट को एक कमाल का शिकारी बनने में मदद मिलती है। ये भोजन की तलाश में कई किलोमीटर तक उड़ान भरते हैं। ये ना सिर्फ खुद का पेट भरते हैं बल्कि अपने बच्चों की भी भूख मिटाते हैं, जो कि आसान नहीं होता। वो किसी भी पंछी से ज्यादा मछलियां पकड़ते हैं। इनकी आंखों की बनावट से इन्हें दूरबीन जैसी नजर मिलती है, जिससे ये मछलियों पर अचूक निशाना लगा पाते हैं। ये पानी की सतह पर 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वार करते हैं। ये कमाल के शिकारी होते हैं। गैनेट उत्तरी अटलांटिक के हवाई हमलावर हैं। ये हैं समुद्री दुनिया के सबसे खतरनाक शिकारी। ये उत्तरी अटलांटिक के हुनरमंद शिकारी अब ग्लोबल वार्मिंग की बलि चढ़ते जा रहे हैं। खाने की कमी के कारण इन्हें हजारों किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ रही है। अपने जीवन को इस तरह बचाने की कोशिश में इनके बच्चे अकेले और असुरक्षित पीछे छूट जाते हैं, जिससे गैनेट की आबादी में भारी गिरावट आ रही है। महासागर में प्लास्टिक की तादाद बढ़ने से ये पक्षी जानलेवा चीजों से अपने घोंसले बनाते नजर आते हैं। खुशकिस्मती से यूएस और कनाडा में इनकी हिफाजत के लिए कानून है, और वहीं यूके में उन्हें वाइल्ड लाइफ और कंट्रीसाइड एक्ट के तहत सुरक्षा दी गई है। अपनी स्थिर आबादी और प्रजनन शक्ति के लिए जाने जाने वाले उत्तरी अटलांटिक के इन खूबसूरत पक्षियों को सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी है। यही तो हैं समुद्री शिकारी। ये पाए जाते हैं अफ्रीका के सूखे मैदानों और जंगलों में। ये पक्षी उड़ते तो नहीं हैं, लेकिन इनके पैर और पंजे बहुत शक्तिशाली हैं। ये जमीन के सबसे तेज पक्षी हैं। ये हैं ऑस्ट्रिच यानी शुतुरमुर्ग। इनका कद लगभग 3 मीटर और वजन 100 किलो से ज्यादा होता है।
शुतुरमुर्ग इस पृथ्वी के सबसे बड़े पक्षी हैं। और सबसे तेज भी। चलते समय इनकी रफ्तार 70 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच जाती है। शुतुरमुर्ग के अंडे पक्षियों में सबसे बड़े होते हैं। एक घोंसले में कम से कम 50 अंडे होते हैं। शुतुरमुर्ग अपने बच्चों की रखवाली करते हैं, जो अपने माता पिता के नजदीक रहना पसंद करते हैं, जिससे वो गर्मी से बचे रहते हैं। शुतुरमुर्ग को अपने बच्चों को सवाना के कई खतरनाक शिकारियों से बचाकर रखना होता है। अपने ऊंचे कद और कमाल की नजर की मदद से ऑस्ट्रिच बहुत दूर से दुश्मन जानवरों को देख लेते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर वो अपनी रफ्तार का सहारा लेने से भी नहीं कतराते। उनके लंबे और शक्तिशाली पांव उनको बचकर निकलने में मदद करते हैं। शुतुरमुर्ग के पांव स्प्रिंग की तरह काम करते हैं, जिससे उन्हें कुशनिंग के साथ साथ आगे उछलते वक्त शॉक एब्जॉर्प्शन भी मिलता है, जिससे वो पीछा करते शेर को आसानी से हरा देते हैं। पृथ्वी के सबसे विशाल और तेज ये पक्षी 18वीं सदी से उनके पंखों, चमड़े और अंडों के लिए शिकार किए जा रहे हैं। 19वीं सदी के मध्य तक शुतुरमुर्ग को पाला भी गया। आज उनकी कई प्रजातियां हैं, लेकिन उनकी आबादी घट रही है, और वजह है इनके आवासीय क्षेत्रों का उजड़ना और शिकार होना। इनका संरक्षण बेहद जरूरी है। यदि हम इन कमाल के जीवों को सुरक्षित रखना चाहते हैं, दुनिया भर में पाए जाने वाले कॉनिफेरस जंगलों, पहाड़ों, रेगिस्तानों से लेकर कड़कड़ाते टंड्रा इलाकों तक, ये शक्ति और युक्ति का प्रतीक हैं। ये रात में हमला करते हैं। ये हैं उल्लू। पृथ्वी की सबसे प्राचीन प्रजातियों में से एक आउल का अस्तित्व 5 करोड़ सालों पहले से है। 200 से ज्यादा प्रजाति वाले ये पक्षी अकेले रहने वाले निशाचर होते हैं। ये सब का शिकार कर लेते हैं, फिर चाहे वो छोटे स्तनधारी हों या फिर दूसरे पंछी। इनके पंख 1.4 मीटर तक बड़े और इनकी नजर दूरबीन जैसी होने के कारण चाहे जैसा भी शिकार हो, उल्लुओं की पकड़ से छूटना नामुमकिन है। इनके पास नुकीली चोंच और खतरनाक पंजे होते हैं।
इनकी आगे से मुड़ी चोंच झपटने और शिकार को फाड़ने के लिए ही बनी है। इनके पंजे करीब 12 किलो तक का दबाव डालने में सक्षम होते हैं, जिसकी वजह से ये एक शक्तिशाली और खतरनाक हथियार है। रात के शिकारी उल्लुओं के पास कमाल का नाइट विजन होता है। ये पृथ्वी के सभी प्राणियों में सबसे बेहतर है। ये फायदेमंद अनुकूलन इनका एक और जानलेवा हथियार है। ये रात के अंधेरे में छोटे से छोटे जीव देख लेते हैं। क्योंकि इनकी खुराक ज्यादा है, कुछ उल्लू दिन में भी शिकार करते हैं। इनकी रफ्तार 40 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। ये हवा पे सवार मौत का रूप है। शिकार में इनका कोई मुकाबला नहीं है। ये हैं प्रकृति के वाइल्ड असैसिन्स। हवाई हमलावर, रात के शिकारी, ये तेज और शांत शिकारी आसमान पर राज करते हैं। लेकिन ये भी जलवायु परिवर्तन के शिकार हो रहे हैं। जैसे जैसे जंगलों को नष्ट किया जा रहा है, इनका अस्तित्व भी खतरे में आता नजर आ रहा है। 13 प्रजातियां खतरे में हैं और 3 तो लुप्त होने की कगार पर आ गई हैं, क्योंकि ये सभी शिकारी पक्षी फूड चेन पर सबसे ऊपर हैं। उल्लू भी अपने आवासीय इलाकों की जैव विविधता को बचाए रखने के लिए बहुत अहम है। इंसानी आबादी के हर महाद्वीप पर पाए जाने वाले ये शिकारी पक्षी खुली जगह और समुद्री किनारों को ज्यादा पसंद करते हैं। छोटे लेकिन खतरनाक, ये दुनिया के सबसे तेज हवाई पंछी हैं। ये हैं फाल्कन। पृथ्वी पर पिछले 1 करोड़ सालों से फाल्कन्स की करीब 40 प्रजातियां दुनिया भर में पाई जाती हैं। ये पृथ्वी के हर तरह के इलाकों में मिलते हैं।
पेरेग्रिन फाल्कन दुनिया का सबसे तेज पक्षी है, जिसकी रफ्तार करीब 300 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। ये अपने बच्चों के लिए शिकार करते हैं। जियर फाल्कन दुनिया का सबसे विशाल फाल्कन होने के साथ तेज भी है। ये अपने बच्चों पर जान लुटाता है और उन्हें भरपेट भोजन कराता है। जब ये बड़े हो जाते हैं, तब ये अपने बच्चों को शिकार करना और उड़ना सिखाता है। 2 महीनों के बाद ये हमेशा के लिए घोंसला छोड़ देते हैं। इनकी नजर इंसानों से 8 गुना तेज होती है और इनकी शक्ति और इनके दम खम की तो कोई मिसाल ही नहीं है। ये दिन में लगभग 6 घंटे शिकार की तलाश में उड़ान भरते हैं। उड़ान भरते हुए फाल्कन्स छोटे छोटे जानवरों को देख लेते हैं। उनका पसंदीदा खाना है छोटे स्तनधारी जानवर। वो आसमान में मंडराते हुए हमले के सही वक्त का इंतजार करते हैं। वो 300 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हमला करते हैं। उनका शिकार जितना कामयाब होगा, उतना ही उनके बच्चों को भोजन मिलेगा। फाल्कन्स दूसरे पंछियों के शिकार से भी नहीं घबराते। उनकी रफ्तार उन्हें आसमान का सबसे खतरनाक शिकारी बनाती है। इसी तेजी से वो अपने पंजों और दमदार टक्कर की मदद से शिकार करते हैं। एक और कमाल का शिकार इस हवाई हमलावर के लिए। ये हैं आसमान के वाइल्ड असैसिन्स। फाल्कन्स भले ही बेहतरीन शिकारी हैं, लेकिन फिर भी इनका अस्तित्व खतरे में है। चालीस से लेकर 90 के दशक तक फाल्कन्स उत्तर अमेरिका में लगभग लुप्त हो चुके थे। वो किसी तरह बच गए, लेकिन फिर भी जलवायु परिवर्तन से वो बचे नहीं हैं। आर्कटिक के तापमान में बढ़त के चलते, जो पृथ्वी के दूसरे इलाकों से दुगनी रफ्तार से हो रही है, जो प्रवास नहीं कर सकती, ऐसी कई प्रजातियां इसकी बलि चढ़ रही हैं। वहीं दूसरी ओर इनके आवासीय इलाकों के नुकसान और बंटवारे के चलते दुनिया भर के फाल्कन्स खतरे में हैं। हमें उन इलाकों का खास ध्यान रखना होगा जो फाल्कन्स के घर हैं। अगर हम चाहते हैं कि वो दूसरी बार
लुप्त होने से बच जाएं। फाल्कन एक शक्तिशाली जीव है, लेकिन अब ये इंसानों पर निर्भर है कि वो किस तरह इन शिकारियों को सुरक्षित रखें। दुनिया भर में इन स्कैवेंजर पक्षियों की 23 प्रजातियां 6 महाद्वीपों पर, मैदानों और सवाना के अलावा खुले पहाड़ी इलाकों में पाई जाती हैं। कूड़ा साफ करने वाले ये हवाई दोस्त शक्तिशाली शिकारी भी हैं। ये हैं वल्चर्स यानी गिद्ध। गिद्ध एक प्राचीन पक्षी हैं, जो पिछले 5 करोड़ सालों से यहां पृथ्वी पर हैं, जिनके पास विकसित हथियारों की भरमार है। गिद्ध झुंड में मुर्दा जानवरों को खाते हैं। इन्हें स्तनधारियों, सांप, पक्षियों और कई तरह के गोश्त पसंद हैं। ये आसमान में मंडराते हुए मरे हुए जानवरों की तलाश करते हैं। ये दूसरे शिकारी जानवरों की झूठन पर निर्भर करते हैं। जंगल में एक पुरानी दुनिया के साथ साथ गिद्धों की नई दुनिया भी है। पुराने गिद्धों के पैर और पंजे ज्यादा शक्तिशाली हैं, लेकिन दोनों ही गिद्ध उड़ान भरने में माहिर हैं। इनके पेट में एक बहुत असरदार और तेज एसिड होता है, जो सड़े हुए मांस में मौजूद हानिकारक टॉक्सिन्स को पचाने में मदद करता है। गिद्ध सब कुछ खाते हैं, और जहां ज्यादा मुर्दे होंगे वहां इनकी तादाद भी ज्यादा होगी। गिद्ध खाने की तलाश में दिन में 150 किलोमीटर तक की उड़ान भरते हैं। इनमें खाने के इलाकों को लेकर लड़ाई भी होती है। ये क्रूर होते हैं, इसलिए लड़ाई से पीछे नहीं हटते। इनकी नुकीली चोंच और खतरनाक पंजे इनके जबरदस्त हथियार हैं। ये बड़े बड़े जानवरों पर भी हमला करने से पीछे नहीं हटते। जब बात खाने की आती है, मैदानों के ये स्कैवेंजर पक्षी अपने इलाके नहीं छोड़ते। ये किसी भी तरह के खाने के लिए तैयार रहते हैं।
ये हैं प्रकृति के खतरनाक हथियार। आसमान के ये स्कैवेंजर वल्चर्स भी खतरों से अछूते नहीं रहे हैं। यानी जंगली जानवरों का प्रदूषण से मरना, शिकार की कमी और खुद शिकार होना, भले ही आसमान पर इनकी हुकूमत है, लेकिन ये बिजली के खंभों और टरबाइन से टकरा कर मर रहे हैं। गिद्धों के लिए सबसे बड़ा खतरा है खुद इंसान। इनकी अपनी अहम भूमिका है, क्योंकि ये प्रकृति में कूड़ा साफ करने का काम करते हैं। इन प्राचीन जीवों को बचाना जरूरी है। दुनिया के लगभग हर तटीय क्षेत्र में पाए जाने वाले अपनी कमाल की चोंच और उसके थैले के लिए मशहूर, साथ ही अपने शरारती स्वभाव के लिए भी ये हैं पेलिकन। स्वभाव से विनम्र पेलिकन्स के झिल्लीदार पांव होते हैं और इनके पंख लगभग 3 मीटर तक फैलते हैं और इनके पास दुनिया की सबसे लंबी चोंच होती है। इन्हें झुंड में सुरक्षित महसूस होता है। ये हजारों के झुंड में पाए जाते हैं। पेलिकन्स अपने बच्चों को इसी बड़े परिवार में बड़ा करते हैं, पर वो अपने ही बच्चों को पहचान कर खाना खिलाते हैं। पेलिकन्स के बच्चों को चूजे या नेस्लिंग्स कहा जाता है। ये सीधे अपने माता पिता के गले से खाना खाते हैं। ये चूजे जन्म के 3 महीनों बाद ही उड़ना सीख पाते हैं। ये सुरक्षा के लिए झुंड में उड़ते हैं, एक साथी की तलाश में। पेलिकन्स कमाल के तैराक होते हैं। पानी इन्हें पसंद है और इसलिए इनका प्रिय भोजन है मछलियां। पेलिकन पानी में ही शिकार करना पसंद करते हैं। उनकी लंबी चोंच के सहारे ये एक बार में ही मछलियां निगल लेते हैं। अपनी तेज नजर की मदद से ये शिकार पर अचूक निशाना लगाते हैं। ये 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गोता लगाते हैं।
पेलिकन हवाई हमलावर हैं, जो समंदर में 20 मीटर की ऊंचाई से गोता लगाते हुए मछलियों का शिकार करते हैं। उनकी चोंच ही उनका हथियार है। दुनिया भर में इन खूबसूरत, विशाल और कमाल के पक्षियों को जाना जाता है। समुंदर में गोता लगाने से पहले ये आपको आसमान में उड़ते हुए नजर आते हैं। ये तेज शिकारी हैं। फिर भी पेलिकन्स के ऊपर खतरा मंडरा रहा है। हम इंसानों का प्रदूषण की वजह से समंदर दूषित हो रहा है। पेलिकन के पंख वाटरप्रूफ भले ही हों, लेकिन उनका बचाव तेल के रिसाव से नहीं किया जा सकता, जिससे ये डूब जाते हैं और हाइपोथर्मिया के शिकार हो जाते हैं। जिससे ये दुनिया भर में मारे जा रहे हैं। प्रदूषण के बढ़ने के चलते और भी पेलिकन्स खतरे में हैं। कई तो लुप्त होने की कगार पर हैं। इंसानों को इन समुद्री पक्षियों की सुरक्षा के लिए कोशिश करनी होगी। आसमान की ये तेज हमलावर, हवा पर हुकूमत करने वाले इन सभी पक्षियों के पास चोंच और पंजों की ताकत है, जिससे ये सबसे खतरनाक शिकारी के तौर पर जाने जाते हैं। ये बेरहम शिकारी हैं। लेकिन फिर भी इनका अस्तित्व अब जलवायु परिवर्तन से खतरे में है। जिससे इनकी आबादी दुनिया भर में घट रही है। ये पिघलते आर्कटिक में फंसे हैं या फिर पैसिफिक के तेल रिसाव से परेशान हैं। ये भले ही खतरनाक शिकारी हैं, लेकिन ये हमारी पृथ्वी का बेहद अहम हिस्सा है। ये डायनासोर से पहले से मौजूद हैं। पर अब एक और खतरा है खुद इंसान से।